मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से प्रदेश की जनता को सत्ता का हिसाब देने की तैयारी पूरी कर ली है। भाजपा की राजस्थान गौरव यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 4 अगस्त शनिवार से राजसमंद के चार भुजानाथ से यात्रा का आगाज होगा। राजस्थान गौरव यात्रा को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं यात्रा को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार यात्रा को लेकर भाजपा पर हमले कर रही है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट सरकार पर इस यात्रा को लेकर सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। मतलब जो पूरी गौरव यात्रा होगी, जिसको बीजेपी अपना चुनाव अभियान कह रही है, उसमें लिखित आदेश जारी कर रहे हैं कि पूरी सरकार इसमें लगेगी और एक कमेटी बनाई गई है, इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, रिजर्व इंजीनियर और पूरा टेंट, साउंड सिस्टम, माइक व्यवस्था और आदि आदि, मतलब जो बाकी व्यवस्था करनी है मीटिंग्स की, वो सारा प्रदेश सरकार के खजाने से किया जाएगा। इधर बीजेपी ने भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने कहा कि कांग्रेस का पेड़ खोखला हो चुका है और कांग्रेस के नेता जिस स्तर पर विरोध कर रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। वो पार्टी ऐसे ही खोखली हो गई है जैसे बड़ा पेड़ बरसों बाद खोखला हो जाता है और वो कई टहनी सूखने लग जाती है, कई उसका तना में छेद पड़ने लग जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, ये व्यवहार स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए नुकसानदायक है। भाजपा की इस यात्रा का उद्देश्य सरकार के खिलाफ उपजी एंटी इनकम्बेंसी दूर करना है, लेकिन यात्रा की शुरुआत के साथ ही चुनौतियां भी सामने आने लगी हैं। प्रदेश में कई जगहों पर जाट और राजपूत समाज ने यात्रा का विरोध करने तक की चेतावनी दे डाली। ऐसे में देखना यह होगा कि भाजपा की ये चुनावी यात्रा चुनावी रण में कितना फायदा दे पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जनटी, में स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खासखबर। खासखबर का मजमून आपने देखा, राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शनिवार से राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज करें। 58 डेज चलने वाली इस यात्रा में 40 दिन यात्रा रहेगी, 18 दिन का रेस्ट रहेगा। यात्रा का शुभारंभ शनिवार से होगा और 30 सितंबर को पुष्कर अजमेर में इस यात्रा का समापन होगा। अमित शाह यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं, समापन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। लेकिन चलिए, इस यात्रा को लेकर के कुछ चीजें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह यात्रा जो निकाली जा रही है वसुंधरा राजे के लिए, यह तीसरी यात्रा है। इससे पहले दो यात्रा जब 2003 और 2013 में निकाली, उस दरमियान विपक्ष में थी भाजपा, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा के साथ ही प्रतिपक्ष ने भी जमकर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने यह कहा है एक डॉक्यूमेंट को जारी करते हुए कि जब यात्रा की प्रेस ब्रीफिंग गुलाबचंद कटारिया जो संयोजक भी हैं, उन्होंने कहा था कि ये पूरा खर्चा भाजपा वहन करेगी। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी के इस आदेश की कॉपी हमारे पास में है, जिसमें कहा गया है कि यात्रा संबंधी खर्चा, स्टेज, साउंड सिस्टम और वहां की अन्य व्यवस्थाएं सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्तर पर की जाएगी। तो एक बड़ा सवाल है कि क्या बैठे बिठाए प्रतिपक्ष को बीजेपी ने एक मुद्दा थमा दिया, जिसमें दावा किया जा रहा था कि खर्चा हम खुद वहन करेंगे, लेकिन आदेश कुछ और कह रहे हैं। उस आदेश की कॉपी उन्होंने मीडिया को भी दी है। चलिए, हमारे साथ धर्मवीर चंदेल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुरेंद्र सिंह मधुका साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं, संगीता गर्ग जी कांग्रेस से हमारे साथ में, कमलेश सैन साहब आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। धर्मवीर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि यात्रा 165 विधानसभा में जाएगी, बहुत चीजें हैं, लेकिन यात्रा पे जो सवाल खड़े होंगे प्रतिपक्ष की ओर से कि इसका खर्चा वहन कौन करेगा, क्योंकि बीजेपी जब विपक्ष में थी तो उस वक्त आप खर्चे का, क्योंकि बीजेपी अपनी गांठ से लगा रहे थे, किसी को ऑब्जेक्शन क्या है, वो कितनी भी यात्राएं करें, लेकिन आप सत्ता में बैठे हुए आप जा रहे हैं और एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि यात्रा का खर्चा बीजेपी उठाएगी, लेकिन कांग्रेस का सीधा हमला है कि हमारे पास वो आदेश की कॉपी है जिसमें साफ कहा गया है कि आदेश इस यात्रा के दरमियान स्टेज है, साउंड सिस्टम है, एसी, कूलर, जो भी चीजें जरूरत पड़ेगी उन चीजों की व्यवस्था सार्वजनिक निर्माण विभाग करेगा। देखिए, मुझे लगता है कि देश में यात्राओं का बड़ा महत्व रहा है। आजादी से पहले भी गांधी के नेतृत्व में देश को आजाद कराने के लिए यात्राएं निकलती रही हैं। उसके बाद चंद्रशेखर जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी भारत जोड़ो करके एक यात्रा चलाई। करीब 4,000 किलोमीटर की यात्रा चंद्रशेखर जी ने पैदल की। मुझे लगता है कि देश की पहली यात्रा थी
जो किसी राजनेता ने पूरे देश को जोड़ने के लिए पद यात्रा की। उसके बाद 80 का दौर आया, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और 89 में हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने यात्राओं का सिलसिला शुरू किया। मुझे ध्यान पड़ता है कि 1989 में जो राम मंदिर को लेकर जो यात्रा शुरू हुई थी उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे सत्ता की ओर बढ़ने लगी और एक दौर ऐसा आया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक पहुंची। अब रही यात्राओं की चर्चा, यात्रा कहां तक ठीक है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, खर्चा किसका होना चाहिए, इसमें मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि यात्रा यदि पार्टी अपने स्तर पर अपने खर्चे पर करती है तो कहीं कोई बुराई नहीं है। यदि यात्रा सरकारी खर्चे पर होती है, भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर या कांग्रेस के बैनर पर होती है, तो मैं उसको ठीक नहीं मानता हूं। 2013 में वसुंधरा राजे ने भी स्वराज संकल्प यात्रा विपक्ष के नेता के रूप में शुरू की और उसी समय कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कांग्रेस संदेश यात्रा शुरू की। ऐसे में सवाल उठता है कि जो कांग्रेस ने यात्रा की थी वो सरकारी धन पर खर्च हुई थी या पार्टी के धन पर खर्च हुई थी, यही बुनियादी सवाल भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अभी उपस्थित हुआ है। देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को अपनी बात पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा जरिया है कि मीडिया के माध्यम से करे या फिर जनता के पास स्वयं जाकर यात्राओं के माध्यम से वो अपनी बात को रखे। लेकिन इसमें भी दो बातें हैं कि आप जनता तक पहुंच रहे हैं तो पैसा किसका खर्च हो रहा है। यदि जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे को आप यात्रा में फूंक रहे हैं तो ठीक नहीं है। यदि आप पार्टी के फंड से कर रहे हैं तो इसमें कोई मुझे बुराई नजर नहीं आती। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि आप यात्रा में मसरूफ मत रहिए, क्योंकि आप यात्रा में मसरूफ और काम पेंडिंग हो रहा है, काम पेंडिंग नहीं होना चाहिए। आप यात्रा भी कीजिए, काम पेंडिंग नहीं हो, दूसरा खर्चा आपकी पार्टी वसूल करे जी या पार्टी दे, तो मुझे लगता है बुराई है। कांग्रेस का कहना है तो पहला बम हमने फोड़ा है, 40 दिन में 40 पटाखे फोड़ेंगे और इसी तरह से आदेश की कॉपी हम लोग आप तक उपलब्ध कराएंगे, वो हमारे सवाल हैं जिसका हमें उम्मीद है कि भाजपा जरूर जवाब देगी। पहला सवाल जो रहा वो कांग्रेस का रहा कि सरकारी खर्चे पे यात्रा निकल रही है, उसके आदेश की कॉपी भी दी है, क्या कहेंगे? तो कांग्रेस के पास में शायद कोई ऐसे बम है ही नहीं, क्योंकि अगर उनके पास बम फोड़ने के लिए वो खुद के ही है। सचिन जी, जैसे सचिन जी ने कल उद्बोधन दिया उसमें उन्होंने एक बम फोड़ा हमारे वो एक आंकड़ा हो सकता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट उन्होंने अधिकृत रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर के सिग्नेचर से उन्होंने जारी किया हुआ बताया है, बाकायदा उस पर लिखा हुआ है राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग, डेट दी हुई है उसमें, आपके आगे से कॉपी में दे सकता हूं, तो उसमें एक बार तो आपका जवाब बनता है कि कहना क्या चाहेंगे उस पर, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि सरकारी पैसे का कोई इसमें मतलब नहीं है और आदेश कुछ और कह रहा है। रविंद्र जी, इस सवाल का जवाब तो शायद जब भारतीय जनता पार्टी के अंतर एक पीसी थी उसमें आपके यहाँ से भी प्रतिनिधि गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, गुलाब जी कटारिया ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया था। यात्रा में मैं वही कह रहा हूँ कि कटारिया साहब ने कहा कि बीजेपी पूरा पैसा खर्च वहन करेगी, लेकिन आदेश की जो कॉपी है पीडब्ल्यूडी की वो कुछ और कह रही है। आदेश की कॉपी क्या कह दी है, उस आदेश की कॉपी क्या है, इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, उसके बारे में देखें क्या है वो आदेश। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है, मैं आपको कॉपी उपलब्ध करा सकता हूं अगर आप उसका जवाब देते हैं। सरकार का किसी प्रकार से कोई उसमें खर्चा नहीं लग रहा है, केवल भारतीय जनता पार्टी खुद के स्तर पर ही यात्रा निकाल रही है। तो चले, कांग्रेस के उस आदेश की कॉपी का आप कुछ नहीं मानते हैं, कांग्रेस का आदेश नहीं माफ करेगा, वो सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार के आदेश की कॉपी है जो कांग्रेस दे रही है। लेकिन बीजेपी का अभी भी दावा यह है कि पैसा बीजेपी वहन करेगी, तो एक सरकारी आदेश है उस पर कुछ तो आपको कहना चाहिए कि वो आदेश फर्जी है या फिर किसने गफलत में निकाला है या फिर बिल्कुल ये तो व्यवस्था होनी थी जब से मुख्यमंत्री जा रही है। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यात्रा के ऊपर जितना भी खर्च होगा उसका वहन भारतीय जनता पार्टी खुद के स्तर पर कर रही है जी। तो आदेश क्या है, किस तरीके से निकला है, किसने निकाला है, किस लिए निकाला है, इस बारे में देखें जी, जी। ऐसा तो नहीं कि सरकार को बदनाम करने की साजिश से हो पीडब्ल्यूडी की ओर से और इस पर कुछ एक्शन करेंगे अगर नहीं, पहले वो देखेंगे क्या आदेश है क्या नहीं, उसके बाद में उसके बारे में। चले, मैं भी आपको आदेश की कॉपी उपलब्ध कराऊंगा, आप एक बार जरूर देखें, उसमें हो सके तो आप बयान दीजिएगा। मैं संगीता गर्ग हमारे साथ में बैठी है, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की सेक्रेटरी। संगीता जी, ये आदेश बीजेपी कह रही है कि आदेश क्या है, खर्चा बीजेपी वहन कर रही है, क्योंकि बड़ा मुद्दा आपका सवाल, 40 दिन आप 40 सवाल पूछेंगे और आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी इसका जवाब देगी, लेकिन बीजेपी जवाब नहीं दे रही है। देखिए योगेंद्र जी, सत्ताधारी पार्टी द्वारा ये पहली बार होने जा रहा है कि जब उनके पास गिनाने को कोई काम नहीं है लेकिन गौरव यात्रा निकालने जा रहे हैं। अरे अभी गौरव गौरवान्वित करने वाले से कौन कौन से काम थे जो पिछले
साढ़े चार साल में आपने जनता के लिए किए हो, ऐसे कोई काम तो बताइए जिसके तहत आप गौरव यात्रा निकालने जा रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, नरुका जी के ऊपर मुझे बड़ा एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ बैठे हुए कह रहे कि मुझे जानकारी नहीं है, और कांग्रेस ने वो पीडब्ल्यूडी द्वारा जो जारी की गई कॉपी है वो आपके सामने आपके समक्ष प्रस्तुत करी है, और नरुका जी के नाम मुझे जानकारी नहीं है। देखिए, अभी मोदी जी यहाँ आए थे और 1500 करोड़ रुपए किस तरीके से पानी में बहाए गए, एक निजी कार्यक्रम को किस तरीके सरकारी खजाने को लुटाया गया, सरकारी खजाने को जो जनता का पैसा होता है, जनता की गाड़ी कमाई होती है, उसको इन्होंने लुटाया और फिर वहीं से ये लोग गौरव यात्रा के तहत तो जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो जनता के लिए काम आना चाहिए लेकिन उसको ये मतलब अपने निजी कार्यक्रम में पूरी तरीके से बहा देंगे। दूसरी बात ये कहना चाहती कि पूर्व में भी इन्होंने स्वराज संकल्प यात्रा निकाली थी, लेकिन स्वराज संकल्प यात्रा का आप आश्चर्य देखिए क्या हुआ कि वो सुराज संकल्प यात्रा सुराराज और कुराज में तब्दील हो गई, जो कि आज तक साढ़े चार साल तक जनता ने उसको भुगता है। और लेकिन अब चूंकि इनका कार्यकाल समाप्ति की ओर है और अब इनको फिर से गौरव यात्रा के रूप में जनता के बीच जाने की जरूरत क्यों पड़ी, अगर काम किए होते तो जनता के बीच इस तरीके से जाते नहीं। लेकिन ये एक पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है कि जनता को फिर से बरगला या भ्रम की स्थिति पैदा करे और जनता को ये बताए कि हमने ये करा वो करा। स्वराज संकल्प यात्रा के जो मैनिफेस्टो था, जो इन्होंने वादे करे थे, वो आप उठाकर देख लीजिए कितने इन्होंने पूरे करे, और अब फिर से वही ये उसी चीज को दोहराना चाह रहे हैं। चले आपके पास में कमलेश, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में कमलेश जी, यात्रा निकाली जा रही है और यात्रा राजस्थान का गौरव बढ़ाएगी, ऐसा बीजेपी का दावा है। इसका ये केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए, और ये कहावत है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो क्या विनाश की बात होगी? विनाश ऐसे होगा कि जनता का तो पैसा होगा खराब, और विनाश जनता के साथ साथ राजस्थान का विनाश किया है। अब तक कोई इन्होंने ऐसा काम नहीं किया, जैसे वसुंधरा जी जिस वादे को मैनिफेस्टो में दिया था कि 15 लाख बेरोजगार हैं, बेरोजगार युवक हैं, उनको हम रोजगार देंगे, अभी तक कोई रोजगार नहीं दिया, तो इनका विरोध करेंगे। जनता को और पता लग जाएगा इस चीज से कि हकीकत में जो धरातल पे काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो जनता जानेगी। अभी इनके 40 दिन की जो यात्राएं होगी, इसके अंदर किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारों का मुद्दा है, महंगाई जो इन्होंने कही थी, मोदी जी ने भी काफी वादे किए थे कि महंगाई के लिए, कि अब की बार मोदी सरकार महंगाई की मार, लेकिन वो हुआ नहीं। इनके कहीं भी सारे जितने भी वादे किए इन्होंने, वो सारे के सारे जुमले हैं, तो इन जुमलों के ऊपर अब इनको वोट मिलने वाला नहीं है। और अब ये जहां पे जाएंगे, अभी झुंझुनू में इन्होंने जो रैली की थी उसके अंदर उनको काले झंडे दिखाए गए थे, अभी जो मोदी जी की रैली हुई इसके अंदर इन्होंने इतना पैसा बर्बाद किया जनता का कि उसका अभी तक आंकड़ा आया नहीं है। करीबन मेरे सुनाई में ऐसे आया 700 करोड़ के लगभग, मतलब इनका पैसा बर्बाद किया है जनता का। तो राजस्थान की जनता अब जान रही है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ये खेल खेलते आ रहे हैं, 5 साल आप खेलो 5 साल हम, तो अब तीसरा जो विकल्प है आम आदमी पार्टी, अब वो आ चुकी है। कोई यात्रा निकालेंगे क्या? नहीं सर, हम निकालेंगे, लेकिन जनता को जागरूक करने के लिए निकालेंगे, जनता को हर मुद्दे के ऊपर सचेत करेंगे, चाहे पानी हो चाहे बिजली हो। चाहे आपको जनता जागरूक नहीं है? जनता से जागरूक जुमलों में आ जाती है जनता, क्योंकि अभी जैसे आज ही मैंने पढ़ा है कि शिक्षा का जो क्षेत्र है उसके अंदर में खुद मैं अचंभित रहा कि 55% मतलब बिजली नहीं है स्कूलों के अंदर, 55% विभाग जो ऐसे हैं स्कूल उनके अंदर, तो मेरे को खुद को आश्चर्य हुआ। तो जनता को कुछ पता ही नहीं है कि जनता का पैसा कैसे, जो हम टैक्स का पैसा दे रहे हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी ये जो सुराज यात्रा निकाल रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि ये कुराज यात्रा है, क्योंकि ये गौरव यात्रा है, सुराज यात्रा नहीं, सुराज यात्रा, गौरव यात्रा है, तो ये ऐसे मान के चलो अब कुराज यात्रा, ये कुराज चला है इनका, पूरा का पूरा प्रशासन, इन्होंने जो प्रशासन है उसको गलत तरीके से यूज किया है। आज तक जितने भी इन्होंने वादे किए हैं, वादों के ऊपर तो 1% भी इनके पास मतलब गिनाने के लिए कुछ वादे नहीं है कि जनता में जाके और ये बोले कि हमने ये काम किया है। चलिए मैं एक बार धर्मवीर जी के पास वापस लौटना चाहूंगा। धर्मवीर जी, ये सवाल जो पूछा है, सचिन पायलट ने आदेश की कॉपी सबको दी है, लेकिन नरुका साहब इसे खारिज कर रहे हैं कि नहीं, बीजेपी अपनी गांठ से लगा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि यदि ऐसा पत्र मिला है तो पत्र में कहीं ना कहीं यथार्थ के नजदीक होगा, और जो पार्टी के जो संयोजक है गुलाब चंद जी कटारिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जैसा कि पार्टी के इन प्रतिनिधि ने बताया कि जो भी खर्चा आएगा
यात्रा में वो सब पार्टी उसका भुगतान करेगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग से ऐसा कोई पत्र प्राप्त होता है तो ये पार्टी को भी विचार करना चाहिए, सरकार को भी विचार करना चाहिए कि हमने एक स्टेटमेंट प्रेस में दिया, राजस्थान की जनता को एक संदेश दिया है और उस संदेश को ये पत्र काट रहा है, तो एक बार देखना चाहिए कि ऐसा ही हो रहा है या गलती से आदेश निकला है। जो प्रतिनिधि है इनको भी इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आज 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस पार्टी के मुखिया धड़ल्ले से आरोप लगाते हैं कि सरकार में जो एक रोचक बात हो रहा है कि जो कटारिया जी ने जिस डेट को प्रेस ब्रीफिंग की थी उसके बाद के आदेश की कॉपी है ये। बिल्कुल बिल्कुल, इसको देखना चाहिए पार्टी को, पुनर्विचार करना चाहिए कि कैसा निकली। अब ऐसा तो है नहीं कि बिना ऊपर के आदेश से वो कॉपी निकली हो, कहीं ना कहीं इसमें है जो पार्टी को री लुक करना चाहिए मुझे लगता है। यदि मान लो आदेश निकल गया तो उसको ड्रॉप करना चाहिए और कहना चाहिए गलती से आदेश निकल गया है और हम इस आदेश को वापस लेते हैं, पूरा खर्चा होगा पार्टी भुगतेगी। इसमें मुझे नहीं लगता है कि यदि गलती से या जानबूझकर निकला है उसे अपन स्वीकार करते हैं तो एक राजस्थान की राजनीति में नई नई मिसाल पैदा हो कि भाई हमने घोषणा की थी, उस घोषणा पे हम कायम रहे, कांग्रेस पार्टी ने हमें एक पत्र दिया, उस पत्र में इस प्रकार की घोषणा दी, हम उस पत्र को वापस लेते हैं, एक नया एक मिसाल पैदा होगी, एक नया संदेश जाएगा जी। लेकिन इससे आपको नहीं लगता है कि हमारे यहाँ पे राजनीति का स्तर ऐसा नहीं बचा है, एक सहमत का खेल होता है, फिर अगर अगर बीजेपी आज इसको विड्रॉ करवाती है तो कांग्रेस और आक्रमक होगी कि देख लीजिए हमने जो कहा सरकार बैकफुट पर चली गई है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राजनीति में आज जो आरोप प्रत्यारोप की जो छवि बनी है, जिस प्रकार व्यक्ति को नीचे दिखाना है, गांधी की राजनीति अलग थी। गांधी ये कहते थे कि मुझसे कोई गलती हुई है, इस गलती को मैं स्वीकार कर लूं वो सबसे बड़ा धर्म है। भारतीय जनता पार्टी के जो पुरोधा हैं दीनदयाल उपाध्याय जी का भी मानना था कि मनुष्य से त्रुटि होती है और त्रुटि होने के बाद इंसान उसको स्वीकार करता है तो सबसे बड़ा व्यक्ति है। लेकिन जो राजनीति का जो धरातल आज यथार्थ पे देखते हैं तो बड़ा छिछालेदार हो गया है। इसको वापस प्रमुख राजनीतिक दलों का धर्म बनता है कि आप दूसरों की कमियों को ढूंढने की बजाय स्वयं का आत्मविश्लेषण कीजिए कि हमें कहां कमी है। यदि हम स्वयं का आत्मविश्लेषण करेंगे तभी हम एक नजीर पेश कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जब अशोक गहलोत जी ने भी 2013 में कांग्रेस संदेश यात्रा शुरू की थी उस समय भी भारतीय जनता पार्टी में ने काफी आरोप प्रत्यारोप लगाए थे, तो उस दौर में भी कांग्रेस उसको हर कब कंडेम करते हुए कहा था कि नहीं पार्टी का ये कार्यक्रम है, पार्टी बैनर पर हो रहा है, पूरी तरह पार्टी इसका चंदा देगी, पार्टी पूरा खर्च करेगी। तो अब इस पर प्रयास तो कौन करे, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का धर्म है कि वो एक से बढ़कर एक नजीर पेश करे। जैसा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि राजस्थान में ऐसी एक स्थिति बन गई है कि 5 साल आप शासन कीजिए, 5 साल हम शासन करें, तो ऐसे में राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए कि 5 साल ही क्यों शासन करें। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ज्योति बसु की तरफ 35 साल क्यों नहीं शासन करें, लोगों को क्यों नहीं हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके कि हम साल दर साल देश राजस्थान पर हुकूमत कर सके, ऐसा मेरा मानना है। संगीता जी ये बात सही है कि जब जन संदेश यात्रा निकाल रहे थे अशोक गहलोत साहब, डॉक्टर चंद्रवान, उस वक्त बीजेपी सवाल खड़ा कर रही थी। अंतर इतना है कि बीजेपी उस वक्त को आदेश की कॉपी नहीं लेके आ सकी, आप लोग आदेश की कॉपी लेकर के आ गए, तो क्या माने कि पैसे का दुरुपयोग कोई पहली मरतबा नहीं हो रहा है? योगेंद्र जी आपने स्वयं इस बात को सबूत के साथ आपने खुद ही कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सबूत नहीं था। आरोप प्रत्यारोप सबूत मांगते हैं, हमने कोई आरोप लगाया है। अंतर इतना आपने कागज दिखाया, देखिए इन लोगों ने आरोप लगाया। योगेंद्र जी वो सिर्फ कागज नहीं होता, वो सरकारी जो पत्र है वो सिर्फ कागज मात्र नहीं होता, वो सबूत होता है। और हमने सबूत के साथ ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गौरव यात्रा के तहत सरकारी खजाने को लुटाएगी, तो इसका हमने प्रूफ भी दिया है। और कोई भी आरोप लगाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे पास कोई प्रूफ हो, लेकिन इसके पास कोई प्रावधान ही नहीं था, प्रूफ ही नहीं था, तो ये किस तरीके से ये कह सकते थे कि कांग्रेस ने ऐसा किया। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि आप इस तरफ से बोल रहे हो इसलिए मैं आपको कहना उचित नहीं समझती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो आदत हो गई है कि भूतकाल की बातें करेंगे, भविष्य के झूठे सपने दिखाएंगे, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है इस पर बात नहीं करेंगे, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। तो चर्चा वर्तमान पे ही कर रहे हैं हम लोग। मैं चर्चा वर्तमान पर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जनता जो है वो वर्तमान में जीती है, भूतकाल जो बीत गया, जिसको कहते ना कि भूत जो बीत गया वो बीत गया, अब जो हम जी रहे हैं, इंसान जो जी रहा है, जो सुविधाएं उसको चाहिए, जो मूलभूत आवश्यकताएं जो उसकी होती है, अगर वो संपूर्ण नहीं होती उस पर कहीं ना कहीं जो कमियां रह जाती है। चलो एक बात तो मैं जानना चाहूंगा, आप लोग इसे गौरव यात्रा क्यों नहीं करा देना चाहते, गले क्यों नहीं उतर रहा? क्योंकि बीजेपी ने जो चीजें गिनाई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रदेश में देखिए बहुत सारी चीजें, एजुकेशन का स्तर हमने बढ़ाया, यहाँ पे इंडस्ट्रीज की बात की गई,
रिसर्जेंट राजस्थान के जरिए निवेश बढ़ा है, स्किल डेवलपमेंट और स्वच्छ भारत मिशन, कई सारी चीजें स्मार्ट सिटीज लेकर के आए, तो क्या चाहिए प्रदेश को? आप लोगों के गले क्यों नहीं उतर रहे? मैं उन सारी चीजों को आपको बताना चाहूंगी जैसा कि आपने कहा कि मैंने पहले भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वराज संकल्प यात्रा करी थी, लेकिन वो स्वराज संकल्प यात्रा ना होकर कुराज और कुशासन में परिवर्तित हो गई। और अब ये गौरव यात्रा करे तो गौरव यात्रा होती किस लिए है? गौरव का मतलब क्या है? कि आपको, आपने कुछ ऐसा काम किया हो जो प्रदेश की जनता को गौरवान्वित करता हो। आप मुझे बताइए कि आप बेरोजगारी को लेकर गौरवान्वित महसूस करते हैं क्या? आप महिला दुष्कर्म और छोटे छोटे बच्चों के साथ जो आए दिन रेप की घटनाएं हो रही है और निरंतर बढ़ रही है, उस पर आप गौरव महसूस करते हैं क्या? आप युवाओं को लाठियां बरसाने पर गौरव महसूस करते हैं क्या? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर आप लाठियां बरसाने पर गौरव यात्रा निकाल रहे हैं क्या? आप किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उस पर, उसके लिए गौरव यात्रा निकाल रहे हैं क्या? निरंतर प्रदेश में जो रिसर्जेंट राजस्थान की बात आप कर रहे थे, रिसर्जेंट राजस्थान के तहत जो 200 करोड़ रुपए बहाए थे क्या उसकी गौरव यात्रा कर रहे हैं क्या? आपने अभी मोदी जी जो जब आए तो 1500 करोड़ रुपए आपने पानी में बहाए क्या, उसकी गौरव यात्रा निकालना चाह रहे हैं? आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि किस चीज की गौरव यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है? जनता को जो चाहिए था, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही। जो आप स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो मैं इसकी एक वानगी आपको बताना चाहूंगी योगेंद्र जी कि स्वच्छ भारत अभियान बहुत अच्छा अभियान है, मैं मानती हूँ बहुत अच्छा अभियान है, और लेकिन इसके लिए हर एक व्यक्ति जब तक स्वयं जागरूक नहीं होगा तब तक स्वच्छता अभियान हम धरातल पर नहीं उतरेगा। कोई ऐसा काम नहीं जिससे गौरवान्वित मैं कंप्लीट करना चाहूंगी कि लेकिन स्वच्छता अभियान के तहत जो 12,000 रुपए में जो इन्होंने टॉयलेट बनवाए उसकी वानगी ये थी कि जो बनवाने वाले जो प्रतिनिधि थे कि आधे तुम खाओ आधे जो बनवाने वाला उसको दे दिया, लेकिन जब तक पानी की व्यवस्था नहीं होगी तब तक वो जो आपको ये आरोप मैं नरुका जी से नरुका साहब, आपने सुना संगीता गर्ग जी को कि ये दावा ही सचिन पायलट का भी था कि गवर्नमेंट एक उपलब्धि सत्ता पक्ष बीजेपी ये बता दे कि ये चीज हमने की है जिसकी वजह से हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और आपके सामने अभी संगीता जी बैठी हुई है। संगीता जी जैसे ये आरोप कांग्रेस के हैं, हमारे नहीं, कांग्रेस में आरोप या संगीता जी जो बता रहे हैं उस हिसाब से तो ये है कि फिर इनको तो खुश होना चाहिए कि हमने जब भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया और हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो फिर तो इनको जनता के बीच में जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, उनको गिनाने चाहिए। आपने बार बार स्वराज संकल्प यात्रा की जो बात की, स्वराज संकल्प यात्रा हमने की नहीं, उनका स्वराज संकल्प यात्रा करके क्या किया? हमने कुराज में ला दिया, स्वराज संकल्प यात्रा करके हमने आपको 21 पे ला दिया, आपको ये सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया क्या काम नहीं किया इस बात को भाई आप सोचेगा, 19 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपका सुपड़ा साफ हो गया, आप कांग्रेस कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं, कहीं भी कांग्रेस का आज कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं, आपको ये देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया। गौरव यात्रा वही निकाल सकता है जिसने कुछ काम किया हो, जनता के बीच में जाना पड़ता है, जनता के बीच में वही व्यक्ति जाता है काम किया हो, कुछ नहीं किया। अगर आपने अगर कोई काम किया होता या हमने कोई काम नहीं किया और आपको उगनाने के बीच बात होती तो जब अशोक गहलोत जी अपनी सत्ता में थे तब उन्होंने संदेश यात्रा निकाली, तो आप भी इस बार संदेश यात्रा निकालते भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया? आपको हम काम गिनाए, काम जनता देख रही है। आज हर गांव के अंदर गौरवत है, हर गांव के अंदर कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें काम नहीं हुआ। तो जहां तक आप ये बता रहे हैं तो स्वच्छता अभियान के अंदर वो शौचालय नहीं बन रहे। राजीव गांधी जी ने कहा था कि यहाँ से सेंटर से 1 रुपया चालू होते हैं और यहाँ पे 15 पैसों के अंदर 15 पैसे मिलते हैं। आज इंदिरा जी ने नरेंद्र मोदी जी ने ये व्यवस्था करती है 12,000 रुपए पब्लिक को मिले। आपके जो काम थे उनके राष्ट्रीय नेताओं ने बताए उन कामों को आज भारतीय जनता पार्टी ने सुधारा और बिहार प्रदेश को उच्च श्रेणी के प्रदेश में लेके आ गया, इसीलिए वो जनता के बीच में जा रही है। जनता के बीच में जाके ये बता रही है कि हमने काम किया, यात्रा के आधार पर जनता के बीच में नहीं जा रही, इससे पहले जनसभा के रूप में जनता के बीच में गए, हर साल जो हमारा कार्य किया उसमें भी हम जनता के बीच में गए। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जनसंवाद के जरिए, लाभार्थियों से जनसंवाद के जरिए जनता के बीच में जाता है, जनता के बीच में वही व्यक्ति जाएगा जिसने जनता का काम किया। आपने कहा जनता के बीच में बच्चों को उस शिक्षा विभाग के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है,
इस मतलब 5-4.5 साल के काल में जो आपके शिक्षा मंत्री पे खुद की बात नहीं करें तो हमारी 200 विधानसभा पे राजस्थान में चुनाव लड़ रही है और आपको आपकी बात पता लगेगा कि सरकार का शासन कैसा होता है। हम चला के दिल्ली में दिखा रहे हैं और राजस्थान में भी पूरा प्रयास करेंगे। दिल्ली में आपके सभी मंत्री हमारे से राजस्थान में कम चर्चा कमलेश जी मैं रोकना चाहूंगा या एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द उठेंगे इस मुद्दे पे, एक छोटे से ब्रेक के लिए। फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान गौरव यात्रा के, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शनिवार से उसका आगाज कर रही हैं। 165 विधानसभा सीट पे जाएगी वो यात्रा, 35 जो रिमेनिंग सीट रहेंगे उसमें से ज्यादातर जयपुर की सीटें हैं। जयपुर में एक कुछ बड़े कार्यक्रम करेंगे जो, यानी कि कुल मिला के यह है कि सभी जगह पे जाकर के यात्रा के बहाने कुछ जगह सम्मेलन। यह भी बीजेपी का दावा है कि 7 इनके जो अग्रिम संगठन है उनके पूरे विधानसभाओं में इस यात्रा के दरमियान ही कुछ सम्मेलन होंगे, यानी कि ये करीब 1400 सम्मेलन कराए जाने का दावा किया जा रहा है। जो भाजपा अध्यक्ष है मदन लाल सैनी, उनका कहना है कि कहीं एमएलए, कहीं सांसद, कहीं पे कोई, कहीं प्रभारी मंत्री, तो इस तरह से वरिष्ठ पदाधिकारी इस तरह से जाएंगे, तो ये पूरा एक टीम को एक्टिवेट रखेंगे पूरे टाइम पे। 30 तक बात करें, संभवतः अगर चुनाव दिसंबर फर्स्ट वीक में होते हैं तो अक्टूबर में आचार संहिता लगेगी। ये पूरा एक कार्यक्रम जो सेट किया है बीजेपी ने, इस दरमियान दावा भी किया जा रहा है कि कार्यकर्ता पूरी तरह से ग्रूमिंग स्टेज में रहेंगे, बिल्कुल भी किसी तरह से वो टूटेंगे नहीं, और उनका जो क्रम बना रहेगा बूथ लेवल से प्रदेश तक उस वो एक रणनीति का हिस्सा है। यानी कहा जा सकता है कि मेजर मैनेजमेंट से लेकर के माइक्रो मैनेजमेंट तक बीजेपी इस बार करना चाह रही है। जो प्रयोग इन्होंने उत्तर प्रदेश में किया वही प्रयोग राजस्थान में भी करना चाह रहे हैं। चलिए, संगीता गर्ग जी कुछ कहना चाह रही थी ब्रेक से पहले। संगीता जी आपके पास लौटना चाहूंगा मैं। देखिए योगेंद्र जी, नरुका जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने ये करा वो करा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये कह रहे थे कि हम जनसंवाद, हमने जनसंवाद यात्रा निकाली और मोदी जी आए थे जनसंवाद करने के लिए, आए थे लाभार्थियों से संवाद किया। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि जो सेंटर में मोदी जी बैठे हैं वो तो मन की बात करते हैं, जन की बात ही नहीं करते। अरे मन की बात तब करनी चाहिए जब आप जनता की बात सुने, जन की बात करें तब आप मन की बात कर सकते हैं। लेकिन आप अपने ही अपने मन की बोलते रहेंगे सिर्फ जनता को सुनाने के लिए, वो भी जबरदस्ती। मैं इस जबरदस्ती शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि स्कूलों में शिक्षकों को ये कह देना कि जबरदस्ती बच्चों को सुनाइए मन की बात, सरकारी दफ्तरों में ये कह देना कि आप सुनाइए मन की बात, तो ये जबरदस्ती है। जनता सुनना ही नहीं चाहती आपकी मन की बात और आप जबरदस्ती सुनाना चाह रहे हैं। मोदी जी के मन की बात जनता सुन रही है तभी कांग्रेस का जी, मेरी बात मैं आपको कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है और आगे आने वाले आप ये मत क्यों जबरदस्ती किसी को सुनाई जा रहा है, बीच में ना बोले आप मन की बात जो जनता के काम कर रहे हैं। आप मुझे बोलने दें, अब आप कह रहे हो कि लाभार्थियों से जनसंवाद किया, पहले तो आपने लाभार्थियों को इतनी ट्रेनिंग दी कि आपको बोलना क्या है, मोदी जी आएंगे तब आपको बोलना क्या है, लेकिन फिर भी उनसे कोई संवाद नहीं किया गया। उनकी विडंबना रही कि हमें सिखाया गया, हमें ट्रेनिंग दी गई और उसके बावजूद हमसे कोई संवाद नहीं किया गया, सिर्फ अपने मन की बात सुनाकर चले गए। फिर आप कह रहे हो कि हमने ये करा वो करा, लेकिन एक काम गिनाने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई थी और 4500 करोड़ का जो खान घोटाला हुआ उसका जवाब दें, जलदाय घोटाला हुआ उसका जवाब दें, ललित गेट घोटाला हुआ उसका जवाब दें, और इसकी जो प्रूफ है अब तो इनके पार्षद और विधायक स्वयं करने लगे हैं कि नगर निगम जयपुर का जो नगर निगम है वो भी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका। और हमने तो कहा है कि ये 40 दिन की यात्रा करेंगे और हर दिन हम इनसे एक सवाल पूछेंगे, क्योंकि आपकी जो 40 दिन की यात्रा है ना, हमारे पास 40 से ज्यादा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से पूछने के लिए कि आपने करा क्या है, इसलिए आपके पास कहने के लिए डेली सवाल पूछेंगे। एक क्यूरियोसिटी बनती रहेगी लोगों की कि कल का सवाल क्या होगा। वैसे बीजेपी को भी देखना चाहिए, एक परंपरा भी रही है, पहले भी इस तरह से चीजें चलती रही थी कि आज का सवाल
खैर जवाब देना नहीं देना ये आपके राजनीतिक दलों पे है, आप लोग से पहले ये लोग सवाल पूछ रहे थे, बस अंतर इतना है इस यात्रा के दरमियान कि बीजेपी अभी सत्ता में है, आप प्रतिपक्ष में है। पहले जब आप सत्ता में थे बीजेपी प्रतिपक्ष में थी। यहां एक मेजर जो मैं धर्मवीर जी के पास एक बार फिर जाना चाहूंगा, धर्मवीर जी राजनीति का एक उसूल है कि जब आप प्रतिपक्ष में होते हैं तो बहुत आक्रामक होते हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो आपका अंदर मन, आपकी आत्मा, आपका वजूद थोड़ा डिफेंसिव होता है, क्योंकि एक जवाबदेही बनती है। आपके प्रतिपक्ष में जब होते हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं, आरोप लगाने की स्वतंत्रता आपके पास में होती है। क्या ये यात्रा के दौरान, जैसे अभी भी चर्चा कर रहे थे कि पिछली सरकार का कार्यकाल ऐसा रहा, यूपीए का कार्यकाल ऐसा रहा, ये पौने पांच साल का लगभग शासन राजस्थान में रहा, या साढ़े चार साल के आसपास का, सवा चार साल के आसपास का मोदी साहब का रहा, क्या पब्लिक अभी सुनना पसंद करेगी कि आप पूर्ववर्ती सरकारों को कोसे, क्योंकि उनको तो उनका परिणाम भुगतना उन्होंने जो किया, अब ये सुनना चाहेंगे लोग या फिर आपकी गौरव की बात का सुनना चाहेंगे वहां पे? देखिए दोनों बातें हैं कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपनी उपलब्धियां बताएं, और इसमें मुख्य धर्म विपक्ष का बनता है कि पौने पांच साल में व साढ़े चार साल में सत्तारूढ़ पार्टी ने क्या किया उसका जितना विरोध कर सके विपक्ष को करना चाहिए, और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको अपनी उपलब्धियों को गिनाना चाहिए। रही बात जनता कितना ध्यान रहेगी, क्योंकि जनता के पास सबसे बड़ी ताकत है, लोकतंत्र में जनता है वो मालिक है। यदि उसको लगेगा कि सामने से गलत बोला जा रहा है और ऐसा तो यथार्थ में नहीं हुआ, तो जनता मतदान के दिन उसको प्रतिफल चखा देगी, ये बता देगी कि आपने पहले जब आप आए सुराज का संदेश लेकर तब आपने घोषणाएं की, उसके बाद आप एक गौरव यात्रा लेकर आए तब आपने ऐसी बातें कही जो यथार्थ में नहीं थी। यदि वो यथार्थ में थी तो जनता उसको रेक्टिफाई करेगी, उसको सत्यापित करेगी। यदि जनता को लगेगा कि तो केवल झूठ का आडंबर है तो जनता उसको खारिज कर देगी, क्योंकि जनता के मन की बात, जनता की ताकत लोग नहीं जानते हैं। जब देश आजाद हुआ था तो यह लोकतंत्र अपनाया गया था, तो विदेशियों ने बड़ा मखौल उड़ाया था कि हिंदुस्तान की जनता तो हस्ताक्षर करना नहीं जानती है, तो ये कैसे लोकतंत्र को सहन करेगी, ये तो ऐसी जनता है जो लोग ना पढ़ना जानते हैं ना लिखना जानते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान की जनता है जो हर चीज को समझती है, ये क्यों खामोशी से देखती है, जिस दिन मतदान होता है उस दिन अपना परिणाम जनता बता देती है। हम देखते हैं कि आपातकाल के बाद जब चुनाव हुए तो बड़ी खामोशी थी, आपातकाल जब लगा खामोशी रही, चुनाव मतदान हुआ खामोशी रही, लेकिन जब परिणाम आया बड़ा विपरीत परिणाम आया, कांग्रेस की चूल्हे हिल गई और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री को चुनाव का हार का सामना करना पड़ा। तो हम ये भूल जाएं कि जनता खामोश है तो कुछ नहीं जानती, जनता सब जानती है, जनता ये भी जानती है कि आप कितना सच बोल रहे हैं, जनता ये भी जानती है कि आप कितना झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो उस दिन आपको अपना प्रतिफल से अवगत कराएगी जिस दिन परिणाम आएगा। तो ऐसे में जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में, और राजनीतिक दलों को जनता की ताकत को पहचानना चाहिए जब वो रूलिंग में होती जी, है। धर्मवीर जी एक बार सवाल जानना चाहूंगा आपसे, ऑर्डर की कॉपी अभी हमारे हाथ में है और ऑर्डर में जो एक रोचक बात जो लिखी गई है वो ये बात भी ली गई है कि इसमें बाकायदा सारे संभागवार वो सबको ऑर्डर सर्कुलेट हो चुका है, इसमें कहा गया है कि संबंधित संभाग के अधिकारी समय अनुसार उचित तरीके से स्थानीय जिला प्रशासन के साथ समन्वय सुनिश्चित करें। तो ये तो तय माना जाना चाहिए कि सभी जिलों के में ये व्यवस्था की जाएगी। बिल्कुल, ये जो आपके आदेश की कॉपी तो यही कह रही है, इसमें अधिकारी का सारा नंबर भी है, कितने डिस्पैच पर इतनी तारीख को रिलीज हुआ है, तो अब ये तो सत्तारूढ़ पार्टी को देखना है, सरकार को देखना है। ये ऑर्डर है, इस पर अभी कुछ कहना चाहिए आपको, क्योंकि ऑर्डर की कॉपी है, बाकायदा डिस्पैच नंबर है, इसका जो मजमून है वो साफ कहता है कि जिला प्रशासन के साथ पीडब्ल्यूडी कोऑर्डिनेट करे सभाओं की व्यवस्था के बारे में। आपने जो आदेश बताया है कांग्रेस ने उपलब्ध कराया हमें, हाँ नहीं, जो भी आपको जिसने भी उपलब्ध कराया है उस आदेश के अंतर्गत जो किसी के निर्देशानुसार जो लिखा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गौरव यात्रा इसका सरकार के किसी भी खर्चे से कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान गौरव यात्रा निकाल रही है वो खुद के स्वयं के खर्चे पे निकाल रही है, सरकार का कोई भी मशीनरी इसमें उपयोग उपभोग में नहीं ली जाएगी। ये बात हमारे जो यात्रा के संयोजक है गुलाब चंद जी कटारिया ने पूर्व में भी कहा था, और उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा किसी प्रकार का कोई भी जो सरकारी तंत्र है उसका उपयोग इस यात्रा के अंदर। सवाल इस वजह से उठ रहा है कि कटारिया साहब ने जो प्रेस ब्रीफिंग जिस दिन की थी उसके दो दिन बाद में ये आदेश जारी हुआ है, एक तारीख का आदेश है ये,
हाँ, जो आप बता रहे हैं आदेश की जो कॉपी आपको जो भी कांग्रेस ने किसी ने उपलब्ध कराई उस पर तो एक तारीख का आदेश है, ये लिखा हुआ है, इसको तो मैं मान रहा हूँ कि आदेश की कॉपी में जो लिखा हुआ है वो तो है, एक तारीख को आदेश जारी किया है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का जो राजस्थान गौरव यात्रा है उसमें सरकारी मशीनरी का कोई भी उपयोग उपभोग नहीं लिया जाएगा, इस बात को मैं गुलाब जी कटारिया जी की बात है उसी को मैं यहाँ पे भी रिपीट कर रहा हूँ कि किसी प्रकार से कोई उपयोग नहीं लिया जाएगा। चलिए लेकिन इस आदेश का क्या होगा जो साफ कह रहा है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ये व्यवस्था करें, जिला प्रशासन के साथ समन्वय भी करें, क्योंकि इसमें जिला प्रशासन के साथ समन्वय की बात ही आ रही है कि जिला प्रशासन को पहले से मैसेज है कि आपके साथ व्यवस्था में सार्वजनिक निर्माण विभाग भी भागीदार रहेगा। योगेंद्र जी अभी आपने आदेश दिखाया है, इस आदेश के बारे में मालूम करेंगे कि ऐसा आदेश किस कारण से किसने किस तरीके से निकाला है, क्या ये आदेश सही है या आदेश गलत है, या आदेश की कॉपी किस तरीके से निकली है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो राजस्थान गौरव यात्रा है उसमें सरकारी मशीनरी को यूज में नहीं लिया जाए, वो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जी उसी कमलेश जी बोलिए बोलिए आप बोलिए। जैसे मेरे बीजेपी के साथी बोल रहे की सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाएगा, जनता एमएलए किस लिए चुनती है, मंत्री किस लिए चुनती है, इसलिए कि जनता का काम करे, चाहे शिक्षा का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो। लेकिन आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारे एमएलए और हमारे मंत्री सबकी ड्यूटी लगाई गई है, तो ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए जनता का जो टैक्स का पैसा आपके एमएलए को जो दिया जा रहा है, आपके मंत्रियों को दिया जा रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। जनता के काम कहाँ करेंगे, मंत्री तो आपकी गौरव यात्रा में लग जाएंगे, तो जनता तो मंत्री हमारे मुख्यमंत्री भी आपके मुख्यमंत्री भी तो इसका मतलब आपके जो 40 दिन की यात्रा कर रहे हैं ये तो 40 दिन का जो बोझ है वो जनता के ऊपर है, वो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं, एमएलए को तनख्वाह है ना सरकार देती है, सरकार का पैसा टैक्स का पैसा जनता का पैसा होता है। आप ये मत कहिए कि हमारी पार्टी का मतलब बनने के बाद में उसको संगठन का काम नहीं करना चाहिए, संगठन का काम करना चाहिए। 40 जो भी मुख्यमंत्री उनको आपके आपका तो पूरा प्रशासन पूरा तंत्र पूरा सरकारी तंत्र आप कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र काम में नहीं लिया जाएगा, लेकिन पूरी आपकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होगी पुलिस विभाग की वो कहाँ, वो सरकारी नहीं है हर जगह। कहना चाहूंगा मैं कमलेश जी, पुलिस विभाग की तो देखिए एक व्यवस्था होता है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, बात सत्ता पक्ष की नहीं होती सर, इससे काम प्रदर्शन कहीं कुछ भी आप लोग कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, क्योंकि क्राइम बढ़ रहा है। यहाँ पे अभी साथी बोल रहे थे कि रेप वगैरह ये क्यों हो रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, बिल्कुल बिगड़ेगी इससे, क्योंकि प्रशासन का पूरा ध्यान केवल मुख्यमंत्री पे रहेगा, और मुख्यमंत्री के अगर कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, किसी ने काले झंडे भी दिखा दिए, तो फिर उस अफसर की बाट लगा देते हैं, ये तो ट्रांसफर कर दिया और कुछ कर। संगीता जी के पास मैं लौटना चाहूंगा। जी संगीता जी, आप बीच में कुछ कहना चाह रही थी अभी। योगेंद्र जी फिर से मैं एक बात दोहराना चाहूंगी, इस आदेश के बारे में तो आपने सुन ही लिया, आदेश के बारे में कहना चाहती कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है कि ट्रिपल जे पे जो ये काम करती है, झूठ बोलो जल्दी बोलो जोर से बोलो, और आज नरुका जी ने फिर यहाँ पर आज इस मीडिया के माध्यम से साबित कर दिया कि आप कॉपी बार बार दिखा रहे हैं, कांग्रेस ने कॉपी दिखा दी फिर भी नरुका जी इसको दरकिनार कर रहे हैं। अरे आप इसको एग्री कीजिए कि ये सरकारी आदेश की कॉपी है जो आपके जिला समन्वयक अधिकारियों तक को डिस्पैच कर दी गई है, फिर भी आप इससे नकार रहे हैं, यानी कि इनकी रीति है कि झूठ बोलो जल्दी बोलो और जोर से बोलो, जिससे कि जनता को सिर्फ भ्रमित करने का काम कर सके हम और जनता को बरगलाने का काम कर सके, लेकिन इनकी गौरव यात्रा मात्र एक प्रोपेगेंडा बनकर रह जाएगी, क्योंकि जनता इनकी असलियत पहचान चुकी है, जनता ने स्वयं इस बात को माना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है, जुमलेबाजी करती है, जनता के साथ सिर्फ धोखा करती है, और इसके परिणाम स्वरूप 2018 के चुनाव में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता विहीन होना पड़ेगा, और कांग्रेस को जिस तरीके से आशा भरी नजरों से जनता आज देख रही है, क्योंकि पूर्व में जो हमारी योजनाएं थी इनको आगे बढ़ाना चाहिए था उन योजनाओं को, लेकिन उन योजनाओं का भी इन्होंने बंटाधार किया, बहुत सारी योजनाएं जो जनहितैषी योजनाएं थी कांग्रेस लेकर आई थी, उन योजनाओं के तहत भी इन्होंने कैंची चलाने का काम और कुठाराघात करने का काम उन योजनाओं पर किया है, तो जनता इस बात को भलीभांति जानती है कि बीजेपी कितना ही अब हमें बरगलाए, झूठ बोले, जुमलेबाजी करे, लेकिन अब जनता इनके झांसों में आने वाली नहीं है। और एक चीज आप मुझे बताइए, आपने कहा था हम महंगाई कम करेंगे,
पानी बिजली पानी महंगा, बिजली महंगी, पेट्रोल डीजल महंगा, खाद्य पदार्थ महंगा, आप गैस सिलेंडर महंगा, आपने करा क्या है? ना महिलाओं के लिए कुछ किया, जबकि मैं तो ये और कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी पार्टी है। आप तो कह रहे हैं कि महंगा हुआ, फिर ऐसे कैसे कह रही है कुछ किया नहीं है? ये कुछ तो किया ही है, महंगाई दी है जनता को, महंगाई दी है, जबकि वादा तो इन्होंने ये महंगी करी है। मैं तो ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है। गैस महंगी कर दी, अब जो चीज महिलाओं को सस्ता एक 350 पेट्रोल डीजल महंगा है। उज्ज्वला योजना का भी तो दावा है सरकार का, खाना बनाती थी। उज्ज्वला योजना की हकीकत जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब आपने उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर दिए वो गैस एजेंसियों को फायदा पहुंचाने मात्र की योजना बन गई। आप सिलेंडर के दाम तो अपने दुगने कर दिए, तो आप ये देखिए कि सब्सिडी का पैसा आप निरंतर कम करते जा रहे हो, सिलेंडर दुगना मिल रहा है। आपने उज्ज्वला योजना भी एक जनता को भ्रमित करने के लिए आपने ये करा, जबकि इसकी हकीकत ये है, बिल्कुल वैसी हकीकत है जैसी स्वच्छता अभियान की हकीकत है, कि जो शौचालय इन्होंने गाँव में बनाए वो कंडे रखने के काम आ रहे हैं। आप गाँव में जाकर देखिए, जब पानी की व्यवस्था नहीं होती तो वो शौचालय मात्र स्टोर का काम कर रहा है। आप गांव में जाकर देखिए, मैं योगेंद्र जी आपको हकीकत बता रही हूं, क्योंकि हमने खुद जाकर देखा है कि जो आपने गांव में जाके ये तो देखा कि शौचालय तो बने, मतलब ये तो आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने शौचालय बनाए। अब आप गैस सिलेंडर की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने हर महिलाओं को गैस सिलेंडर तक पहुंच रहे, आपने 70 साल में ये काम किया क्या? सब्सिडी की बात है, आज आम लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है, आपने सब्सिडी छोड़ दिया, जुड़ने वाली बात है आपके, जुड़ने वाली बात आपके राहुल गांधी जी 500 के जुमले बाजी कर रहे हैं। संगीता जी आपसे एक मेरा सवाल है, देखिए शौचालय जो बनाए गए 12,000 जो रुपए है सरकार ने सब्सिडी के नाम पे अगर गांव में या शहर में कहीं किसी को भी दे रही है तो पैसा जनता का है, आपका है, मेरा, सभी का है। उस अगर आप लोगों को ये लगता है किसी भी पार्टी को, क्योंकि देखिए समाज सुधार के नाते आप लोगों की एक वॉलंटियर की भूमिका भी होनी चाहिए, अगर शौचालय बनाए अगर उसमें कोई कंडे रख रहा है या मिट्टी भर रहा है कोई कुछ भी कर रहा है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा उन लोगों को समझाइए, जब व्यवस्था बन गई है तो उसका उपयोग करें। पानी की व्यवस्था नहीं है ना, मेन प्रॉब्लम क्या है कि जब पानी की व्यवस्था नहीं होगी वो शौचालय कहाँ से काम आएंगे? आपको सबसे पहले वहाँ पानी की व्यवस्था करनी चाहिए थी, ड्रेनेज की व्यवस्था करनी चाहिए थी, तब वो काम आते। आप मात्र एक स्टोर के जैसे आप उसको बना देंगे और पानी की व्यवस्था देंगे तो शौचालय के उसमें गाँव के लोगों की कोई बात करूँ तो मैं इनकी पार्टी के लोगों का जो बना हुआ शौचालय था उसी की फोटो खेच के और फोटो लगाए हुए, ऐसे बहुत से उदाहरण मैं दे सकता हूँ। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मैंने खुद देखा पर्सनली कि जिसको जरूरत है शौचालय उसको दिया गया नहीं है, और जिसके पहले से बना हुआ वहाँ फोटो खिंचवा गया कि ये बीजेपी का वोटर है। ये आपके आम आदमी की ही है, राजनीति रिपोर्ट दिखा सकता हूँ, आपने शिकायत हमने हमने हमारे कहा कि जो हमारे चैनल पे बैठ गए चैनल के माध्यम से कुछ नहीं होगा, मैंने काम किया है कि इसीलिए जनता के बीच में जाने की मत करिए। आप दोनों पार्टियों से उसकी सीबीआई में रिपोर्ट है, चलो आपके अशोक ने माइक साफ कर रहे हैं एक बात तो आरोप
चाहूंगा धर्मवीर जी के पास जाना चाहूंगा, धर्मवीर जी मैं तो इतना जानना चाहूंगा, चलिए अभी समय कम है, मैं ये जानना चाहूंगा कि गौरव यात्रा के राजनीतिक मायने क्या है। ये बात तो तय है कि भाजपा ने इस गौरव यात्रा के साथ चुनावी शंखनाद कर दिया है, लेकिन ये एक सेकंड स्टेज हो सकता है। चुनावी शंखनाद तो उसी दिन हो गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आए थे 7 जुलाई को, वो बेशक कहने की बात यह हो कि जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद था, लेकिन एक चुनावी आगाज उसका प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका था। लेकिन अब विधिवत रूप से अमित शाह इस रथ को जब रवाना करें, क्योंकि बीजेपी की यात्रा है ये जो दावा किया जा रहा है, तो ऐसे में चुनावी आगाज, चुनावी शंखनाद इसे कह सकते हैं, इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे? बिल्कुल, ये चुनावी शंखनाद हो गया है। अब पूरे प्रदेश में पार्टी के लोग प्रचार प्रसार करेंगे, अपनी उपलब्धियां बताएंगे, कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा, पूरी तरह जो काम किया है उसको अवगत कराया जाएगा, जो काम नहीं हुआ पेंडिंग है, जो विधायक या वहां के क्षेत्र के लोग बताएंगे कि ये आपने वादा किया था, इस वादे को पूरा नहीं किया, तो आनंद फानंद में वो वादे भी पूरे होंगे, ताकि जनता की जो नाराजगी है, जनता की जो खामोशी है वो टूट सके, और जो वादे अभी पाइपलाइन में है उनको भी जल्दी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। 2018 के बजट में जो घोषणाएं सरकार ने की थी उन घोषणाओं को भी एक बार रिव्यू किया जा रहा है, कौन सी ऐसी बड़ी घोषणाएं जो अपन ने कर दी जो अपन नहीं कर पा रहे उनको भी तुरंत किया जाए। कई अब अपन ये भी देखेंगे कि बहुत सारे भवनों का शिलान्यास होगा और कुछ ऐसे भवनों का लोकार्पण भी होगा जो अब तक नहीं हो पाया, अब उनको ऐन वक्त चुनाव के मौके पर किया जाएगा। ये तो मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल का दस्तूर हो गया है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो वो ऐसे कई सारी घोषणाएं कर देते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। जब अशोक गहलोत साहब थे उन्होंने ऐसे अनेक कॉलेजेस के अनेक विश्वविद्यालय की घोषणा कर दी जो जमीन पर नहीं कागज पर नहीं आ पाए। बाद में वसुंधरा जी की सरकार आई, उन्होंने विधानसभा में कहा सब घोषणाएं थी थोती घोषणाएं थी, हम इनको नहीं मानते हैं, नए सिरे से करेंगे, अभी ये फिर ऐसी घोषणाएं कर जाएंगे, फिर मान लो ये रिपीट होते हैं, दूसरे लोग आते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी घोषणा हो तो चुनावी वर्ष में सरकार ऐसी कोई घोषणा नहीं करे जो घोषणा पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाए। सरकार को 4 वर्ष रहते हैं, 5 साल कार्यकाल होता है, 4 वर्ष में घोषणाएं करें, उनको निर्धारित समय अवधि में पूरी करें। ऐसा नहीं है कि सारी घोषणाएं, अशोक गहलोत साहब ने भी जो 5वां वर्ष था मार्च में उन्होंने हर दिन नया प्लान लाते थे, आज ये करेंगे, आज महिलाओं के लिए करेंगे, आज दलितों के लिए करेंगे, आज वृद्धों के लिए करेंगे, आज बच्चों के लिए करेंगे, आज स्कूल के लिए करेंगे, कल कॉलेज के लिए करेंगे, ऐसा होने के बजाय 4 साल तक खूब घोषणा करो आप, उनको इंप्लीमेंट करो, ताकि जनता जो पीड़ित है, जो आपसे उम्मीद करती है, जो आपको वोट देती है, उसको बड़ी उम्मीद होती है कि आप आओगे, हमारे सपनों को साकार करोगे, हमारी आरजू को आप पूरा करोगे। लेकिन जब आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो बड़ी निराशा होती है, उनका लोकतंत्र से विश्वास उड़ता है, वो कहते हैं वोट वोट तो बिकता है। तो ऐसे में इस प्रमुख जिम्मेदारी आप सब राजनीतिक दलों की है, क्योंकि आप वो लोग हैं जो लोकतंत्र में प्राण फूंकते हैं, आप वो लोग हैं जो जनता के नुमाइंदे हैं, क्योंकि हम तो वो लोग हैं वोट देकर आपको चुनकर भेजते हैं, हमें सोचते हैं कि आप लोग जाएंगे हमारे हितों के, हमारे संवर्धन के, हमारे कल्याण की बात करेंगे, लेकिन आप वहां जाकर खुद के कल्याण की चिंता करते हैं, जनता के कल्याण को भूल जाते हैं। तो लगता है आम आदमी को टूटता हुआ, परेशान होता है, बोझिल होता है, उसे महसूस होता है कि फिर मैं छल लिया गया हूं। जी कमलेश जी कुछ नई बात कर रहे हैं अभी। योगेंद्र जी आज हिंदुस्तान के 70 साल के इतिहास की बात बता रहा हूं मैं, कि आज तक जिन सरकारों ने मैनिफेस्टो दिया है आज तक किसी ने भी पूरा नहीं किया, लेकिन दिल्ली सरकार है जो अभी तक 80% अपना मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं वो पूरे कर चुकी है। जो आपके सामने है आप धरातल के ऊपर देख सकते हैं, ये सरकारें जो है केवल कागजों के ऊपर वादे करती है, लेकिन हमारी सरकार जो आम आदमी पार्टी है पूरा उनको करने की मतलब कोशिश करी है, और पूरे जितने 70 वादे हैं आने वाले टाइम में अभी बात देखिए, क्योंकि बीजेपी चुनावी शंखनाद कर रही है, करने जा रही है, एक तरह से कहें कि कोई ना कोई कानून होना चाहिए। हम सहमत आपकी बात से कि पब्लिक के साथ एक धोखा होता है, कोई राजनीतिक दल अगर उन बिंदुओं को पूरा नहीं कर पाता है तो सभी राजनीतिक दलों के लिए लागू है। तो आप लोगों को एक अपने एक अलग से एक संहिता तैयार करनी चाहिए कि हाँ बिल्कुल हम जो कह रहे हैं उसको पूरा करें, ये भी एक तरह से जनता के साथ चीटिंग होगी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ मैं, आप जल्दी बताएं, हमारे पास में 2 मिनट का वक्त है, आम आदमी पार्टी किस तरह से चुनावी शंखनाद करने जा रही है, मैं बहुत कम में 30 सेकंड में जानना चाहता हूँ आपसे। सर हम मुद्दों की राजनीति करेंगे, मुद्दे जो पानी का है, बिजली का है, शुरुआत कैसे करेंगे ताकि लगे कि चुनाव में आप जन में आ चुके हैं। हम दिल्ली के कामों को लेके जाएंगे। संगीता जी आपके पास आना चाहूंगा, राहुल गांधी का इंतजार हो रहा है, बीजेपी इस मायने में कहें तो 2 कदम आगे आप लोगों से बढ़ चुकी है। आप लोगों की तरफ से मेरा गौरव मेरा बूथ रहा, लेकिन ये तो वसुंधरा राजे भी एक एक जिले में जाकर के आ रही हैं, उनके पार्टी के नेता जा रहे हैं, तो वो भी अपनी एक तैयारी कर रहे हैं, ये लोग पन्ना प्रमुख की तैयारी कर रहे हैं, विस्तारक बना रहे हैं, जिस तरह का आगाज यात्रा के जरिए कर रहे हैं,
मोदी आ चुके हैं, अमित शाह आ चुके हैं, इसका जवाब देंगे कांग्रेस कोई बड़े नेता को बुला के? योगेंद्र जी, विपक्ष ने हमेशा मुस्तैदी से जनहित के हर मुद्दे को उठाया है, चाहे वो किसानों का रहा हो, चाहे महिलाओं का रहा हो, चाहे युवाओं का रहा हो, चाहे किसी भी तरह का मुद्दा रहा हो, लेकिन ये सरकार जो सत्ताधारी पार्टी है ये किसान विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी, मैं यूं कहूं कि हर वर्ग विरोधी सरकार है। तो ये बातें योगी जी मेरी बात सुनिए, हम हमारे किए हुए कामों की लंबी फेहरिस्त और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनता के साथ किया गया धोखा और वो वादे जो भारतीय जनता पार्टी ने किए थे वो पूरे हम जनता को बताएंगे। अमित शाह की यात्रा का या उनके सभा का जवाब देंगे? 40 दिन की जो गौरव यात्रा ये निकालना चाह रहे हैं, हर दिन हम इनसे एक सवाल पूछेंगे कि आप ये सवाल का जवाब दीजिए, चुनावी आगाज रहेगा, यानी कि आप एक्शन का रिएक्शन करके जवाब देंगे। ये सारी बातें जो प्रदेश की जनता समझ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी से आशा विहीन हो चुकी, उसको अभी किसी प्रकार की जनता को आशा नहीं रही कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। इसी के तहत 2018 जैसे कहा, धर्मवीर जी ने कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव का आगाज कर लिया है, कांग्रेस के पास में अभी किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है कि वो जनता के बीच में क्यों जाए, किस लिए जाए, क्योंकि वो तो आपस में गौरव हमने हर मुद्दे को उठाया है, जनता का जो काम की घोषणा जो लास्ट टाइम की जानी है वो कांग्रेस का ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जनसंवाद किया है, साथ जो भी उसका एक वर्ष हुआ एक वर्ष में जनता के बीच में गए और जनता का जो काम उन्होंने सुराज संकल्प यात्रा के तहत संकल्प किया था उनको साल भर में पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद आगे भी लगातार कंप्लीट करते जाएंगे और समाप्त हो चुका है। तो चलिए राजस्थान गौरव यात्रा का आगाज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कर रही हैं और अमित शाह हरी झंडी दिखा के रवाना करने वाले हैं। इसको समापन पुष्कर से होगा क्योंकि ये यात्रा जैसे मैंने पहले भी कहा थोड़ी डिफरेंट होगी। अभी मुख्यमंत्री की भूमिका में राजस्थान को नापने जा रही है वसुंधरा राजे, पहले प्रतिपक्ष के नाते, प्रतिपक्ष की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते ये यात्रा की थी। तो अभी रोचक पर बनी रहेगी इस यात्रा के दौरान, यात्रा में जो चीजें सामने आएगी, जनता के बीच क्या वादे और नए किए जाते हैं, क्या खास बातें रहेगी, और साथ ही जिस दिन जो यात्रा जहां निकलेगी कांग्रेस का नया सवाल क्या होगा। चले ये माना जा सकता है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे इसी तरह से रोचकता राजनीति और सियासत की बनी रहेगी और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए एक बार दीजिए सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।